देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, इट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एज एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, द पार्टिकल नेक्स्ट कम टू रेस्ट आफ्टर इट हैज कवर अ डिस्टेंस। यानी एक एक्सेलरेशन की आपको इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन दी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, फिजिक्स पे बेस्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है कि अ पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, इट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद द एक्सेलरेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम टी। अब बोला कि पार्टिकल नेक्स्ट टाइम कब रेस्ट पे आएगा, पार्टिकल नेक्स्ट टाइम जब भी रेस्ट पे आएगा, कभी भी कोई पार्टिकल रेस्ट पे आता है इसका मतलब उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय डीटी, वी क्या होता है, डीएक्स बाय डीटी, यस और नो, यानी वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम को डिफ्रेंशिएट करो और एक्सेलरेशन ही हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसको मैं अगर डीवी बाय, ठीक है ध्यान देना, डीवी बाय इसमें डीएक्स लिख दूं इंटू डीएक्स बाय डीटी लिख दूं, डीएक्स का मल्टीप्लाई किया, डीएक्स का डिवाइड किया, अब dx by dt को हम लिख सकते हैं v और इसको ऐसा ही रहने दीजिए, तो हम एक इक्वेशन एक्सेलरेशन की ये भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी, और हम चाहें ये एक इक्वेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर समझना नहीं तो आप उलझ सकते हैं। अब इसको मैं चाहूं तो इंटीग्रेट कर सकता हूं। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू, राइट, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू। अब पार्टिकल नेक्स्ट टाइम कब रेस्ट पे आएगा, जब वेलोसिटी जीरो होगी, तो जीरो से कंपेयर कर दीजिए, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, आपने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो ये मिल गया थ्री माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई टू बाय थ्री और एक जीरो, तो जीरो तो पहले ही था स्टार्ट, तो इसका मतलब आंसर होगा, सॉरी थ्री बाय टू, तो इसका मतलब आंसर हुआ इसका थ्री बाय टू। बट इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डीटी, डीएक्स का मल्टीप्लाई डीटी का डिवाइड करके आपने एक इक्वेशन बनाई और एक्सेलरेशन इंटू डीएक्स इक्वल टू वी इंटू डीवी भी होता है, अगर ये पता होगा तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते थे।